लोगों ने एक जीआर निकाला, वो जीआर में साफ साफ है कि 1 मई से आपको राशन मिलेगा 1 महीने के लिए, फिर बाद में जून के महीने में जून की 1 तारीख को दूसरा। इक्कीस दिनों से लॉकडाउन शुरू है, जिनके पास राशन कार्ड था उन्हें राशन मिला और वो लोगों ने अपना राशन लाके अपने घर में चलाया, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके पास केसरी राशन कार्ड होने के बावजूद उन्हें राशन नहीं मिलता है, और कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आवाज़ बने विरोधी पक्ष नेता साजिद खान पठान ने 1 महीने से आवाज़ उठा रहे थे। उनकी मेहनत को उस वक्त एक मोड़ मिला जब महाराष्ट्र सरकार ने उनकी बात मानते हुए, छगन भुजबल साहब ने उनकी बात मानते हुए जीआर को पास किया, और उस जीआर के ज़रिए सभी राशन कार्ड वाले जिन्हें राशन कार्ड होने के बावजूद अनाज नहीं मिल रहा था उन्हें भी अनाज दिया जाएगा, और जिन लोगों के पास में राशन कार्ड नहीं है ऐसे लोगों को भी राशन की दुकान पे एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म पे वो अपनी जानकारी भरकर वो राशन वहाँ से ले सकते हैं। तो राशन कार्ड के लिए, लोगों के लिए मेहनत करने वाले, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाने वाले, बेसहारा गरीबों के लिए आवाज़ उठाने वाले साजिद खान पठान की ये मेहनत रंग लाई है। अगर साजिद खान पठान ने अपनी बातों में ये कहा कि 1 मई से अगर कोई राशन देने के लिए आनाकानी करता है या किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ देता है तो वो उनकी टीम से संपर्क कर उन्हें इस बारे में बता सकते हैं। देखिए हमारे रिपोर्टर इरशाद अहमद की रिपोर्ट अकोला शहर। चैनल के मालिक को और उनके सभी रिपोर्टर को मैं धन्यवाद कहूँगा कि ऐसे बुरे वक्त के अंदर भी वो लोग जुटे हैं, जगह जगह न्यूज़ें पहुँचा रहे हैं, काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और रही बात राशन दुकानों के ऊपर जो राशन मिलने का है, तो उसके संदर्भ के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाली जो 1 मई से लागू होगा। आप ध्यान से सुनिए कि 1 मई से 48,000 ऐसे राशन कार्ड है पूरे ज़िले में, अकोला शहर मिला के और ज़िले के मिला के, जहाँ पर उनको अभी तक राशन नहीं मिलता था, उन लोगों के लिए विशेष सुविधा करके ऐसे आपातकाल के अंदर उन लोगों ने एक जीआर निकाला। वो जीआर में साफ साफ है कि 1 मई से आपको राशन मिलेगा 1 महीने के लिए, फिर बाद में जून के महीने में जून की 1 तारीख को दूसरा टप्पा आएगा, उसमें आपको 1 महीने का राशन मिलेगा। इसलिए मैं सब लोगों को ये घोषणा करता हूँ और उनको ये एहसास दिलाता हूँ कि हमको आपकी परेशानियों का एहसास है, उनकी तकलीफ़ों का एहसास है। आप लोग किसी में गड़बड़ी ना करें और आने वाली 1 तारीख को अपनी राशन की जो दुकानें हैं, कंट्रोल की दुकानें हैं, वो कंट्रोल की दुकान के ऊपर से 1 महीने का राशन लेकर जाए। और किसी दुकानदार अगर आपको राशन देने में कोई किसी में तकलीफ़ देता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते। रंगरेज़ की आवाज़ जो चैनल है उसके माध्यम से हम ऊपर शासन को ये बात बताएंगे कि जहाँ तकलीफ हो रही है। और मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ कि कोई गलत फहमी मत आओ और किसी किस्म का कोई फॉर्म और कोई भी लोकल पब्लिक सिटी ना करे, कोई मेहरबानी करके गरीब लोगों की भावना से कोई ना खेले। और जिन लोगों के पास में राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को मैं कहता हूं कि जहां उनका राशन दुकानदार है, उनके मोहल्ले में जो करीब की जहां दुकान है, वहां पे कलेक्टर ऑफिस की तरफ से, अन्नपूर्णा जो विभाग है उसकी तरफ से एक फॉर्म दिया जाएगा। वहां जाकर आपने आपका जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को वहां पे उनकी नोंद की जाएंगी। तो साथ में उनके पास में जाते होगा तो वहां पे आप लोग उन लोगों के पास में आपका आधार कार्ड और एक पासपोर्ट फ़ोटो लेकर जाके वो जो फॉर्म रहेगा वो फॉर्म भर देना। जिन लोगों के पास में राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को भी अनाज आने वाले समय में मिलेगा। वो जानकारी आपको उसी कंट्रोल की दुकान पे देनी होगी जहां आपके नज़दीक में जहां कंट्रोल आता है। और बाकी यहाँ किसी सोशल वर्कर के पास में वो फॉर्म नहीं मिलने वाला है, किसी लीडर के पास में फॉर्म नहीं मिलने वाला है। आप किसी के बहकाव मत आओ, परेशान बिल्कुल भी मत हो, कंट्रोल की दुकान के ऊपर ही फॉर्म दिया जाएगा जो सरकारी स्टैम्प लगा रहेगा, और वहीं जाके आपको नोंद करानी है अगर आपके वो राशन कार्ड नहीं है तो। अगर आपके पास में राशन कार्ड है तो 1 मई से आपको राशन की दुकान पे मिलेगा। धन्यवाद। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। हम जो साजिश खान पठान साहब ने बताया कि महाराष्ट्र प्रशासन के आदेश को फॉलो करना है, और उन्होंने पूर्णतः आज कर्फ्यू लगने के नाते से कोई लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, और जनता को जो तकलीफ हो रही है राशन कार्ड या राशन नहीं मिल पा रहा, तो लेकिन आज प्रतीकी निधि के नाते